वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, अल्लाह ताला आपको हमें अपने जमान में रखे, आमीन सुम्मा अमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी सारिम की आज तबीयत नहीं ठीक, क्योंकि उसको इंजेक्शन लगाया था, उसको बुखार हुआ है। तो आज सारा दिन ही वो ज़िद करता रहा कि मुझे बस गोद में ले कर बैठे रहो। तो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, अभी सोया तो अभी टाइम मिला तो हम लोगों ने कहा वीडियो बना लें छोटी सी। और जी कुछ हमारे प्यारे बहन भाई हैं, वो हमें कह रहे हैं जी, मतलब बहनें ही हैं, भाई तो नहीं, बस वो मुँह से निकल जाता है। तो प्यारी सिस्टर्स हैं, वो कह रही हैं कि आपकी वीडियोस शॉर्ट होती हैं, जब मज़ा आने लगता है तो तब आपकी वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो बस आप दुआ करें ना कि हम लोग एक अच्छा सा मोबाइल लें और फिर हम लोग इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। और कुछ लोग अब ये कहेंगे कि आप किसी को कह रहे नहीं जी अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो इंसान ने लेना तो अपनी पॉकेट से ही होता है। तो बस मैं ये रीज़न बता रही हूँ कि इसलिए हमारी छोटी वीडियोस होती हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है, अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा शाद रखे, बाज रखे जी। सारों को भी बुखार है, मुझे भी बुखार है, गला ख़राब जी। अल्लाह पाक सब कुछ पाए, कामना से तंदुरुस्त मिले, लंबी ज़िंदगी दें। जितने भी बीमार है अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए। तो सही बात है, लेकिन आज मैंने रिएक्शन देना था, कल के ही मैं वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन नहीं बना सकी, ठीक नहीं था सारी। तो मैं महविश को, मैं वैसे तो उसके दुख में शरीक हूँ, उसका भाई बीमार है, अल्लाह ताला वो उस्मान है ना, उसको सेहत तंदुरुस्त वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो उसको जिस तरह ये बता रहे हैं जो मतलब उसको यरकान है और इसकी रिपोर्ट काला यरकान मुझे लगता नहीं पी है, पीला है कि कौन सा है, लेकिन जिस तरह ये बेएहतियाती कर रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो यरकान के जर्म्स है, हैजे के, टीबी के, ऐसे जर्म्स बहुत जल्दी एक दूसरे को लगते हैं और ये इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। बिल्कुल ये कान वालों के बिल्कुल जो बर्तन अलग कर दिए जाते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, हमारे लाहौर में फीस भी लेला इलाज करते हैं, तो उधर आ जाएँ, उधर से ये इलाज करवाएँ, बिल्कुल इनका बच्चा ठीक हो जाएगा। वो काला यरकान और पीला यरकान सबका, हेपेटाइटिस जो बीस जो होते हैं सबका वो इलाज करते हैं और फीस भी लेला इलाज करते हैं। तो बड़े दुनिया में लोग ठीक हुए, हमारे अपने बड़े जानने वाले मिलने वाले जो लोग हैं उनसे ठीक हुए हैं। तो पहले उनके वाले साहब नुमान को भी यरकान हुआ था, पीला यरकान था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से ठीक हुआ। मेरी भाभी को काला यरकान हो गया था, तो वो उन्हीं से ठीक हुई है। तो फीस भी पड़े जाने वालों को हमने बताया। तो जिस तरह वो रो रही थी, तो मैं इस चीज़ पे हैरान हो रही थी कि उसने ट्राईपॉड लगा के वीडियो पूरी बनाई है और उस पर उसने वीडियो अपनी अम्मी जान से बात करके रो रो के वीडियो बनाई। ये मुझे थोड़ी सी ना मतलब हैरत अंगेज बात लगी। आप ये बातें अपनी अम्मी जान से बात करके आप बातों में भी बता सकती थी, ऑन एयर सारा कुछ, ऑन कैमरा इसने सारा कुछ किया है और अपनी अम्मी जान से बात की और वो रो रही थी। रोना तो जाहिर है, पहले उसका एक भाई फौत हुआ तो कह रही थी मुझे पहले वाला भाई नहीं भूला, तो अल्लाह ताला इसको कुछ भी ना हो, बिल्कुल हमारी दुआओं के साथ है। तो जो चले जाते हैं वो कभी भी नहीं भूलते, और जिनके जाते हैं सिर्फ उन्हीं को एहसास होता है, जिनके नहीं जाते उनको एहसास नहीं हो रहा होता। तो अल्लाह ताला उसके भाई की बख्शिश फरमाए और जो भाई ज़िंदा है अल्लाह पाक उसको जो ज़िंदगी दे, से तंदुरुस्ती वाले ढेरों ढेर खुशियाँ देखे नसीब करे। तो ये मुझे महविश की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अच्छी हरकतें करती है और वो हर बार कर देती है। वो वीडियोस में वो एक टॉपिक छोड़ती है। और एक और बात आपसे करनी थी, वो बाकी बात वीडियो देखेंगे, अगर रात को मेरे पास टाइम हो तो बनाएंगे, नहीं तो फिर सुबह की वीडियो बनाएंगे कि जब नसरुल्लाह वीर के घर गए हैं तो फिर आगे से क्या हुआ है। फिर वो मैं आपको इंशाल्लाह सुबह की वीडियो में बताऊंगी कि उनके साथ कैसा स्लूक किया गया है, ऑन कैमरा और बैक कैमरा कैसा उनके साथ स्लूक किया गया जी। तो बिल्कुल वही मैं बात वही कर रही हूँ कि मतलब ये अपना दुख भी ऐसे शेयर कर रहे होते हैं कि बंदा थोड़ा सा हैरान होता है। भाई तेरा बीमार है तो अपनी वालदा से बात कर रही है, तो पूरी इसने वो वीडियो में जितनी गुफ्तगू हुई है लड़ाई की, जिस तरह ये गुफ्तगू दिखाती है ना, उसी तरह इसने ये गुफ्तगू भी दिखाई है कि मेरी अम्मी जान से जो मेरी बात हुई, मेरे भाई की रिपोर्ट सही नहीं आई। तो रो रो के तो मुझे इस चीज़ पे हैरत होती है, जब बंदा ओरिजिनल गम में होता है ना तो उसको कभी ये चीज़ नहीं सोच रहा होता कि मैं इस चीज़ को जो है कैमरे में करूं लेके आऊं या जो भी है। तो जी परी भी उठ गई है, सोई हुई थी ये, तो वो भी कह रही आ जाओ वीडियो में, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम करो व्यूअर्स से। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूं। सो ये देखिए मेरा भाई छोटा सोया, उसकी तबीयत खराब
दो तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।